लेते हैं। लेकिन 90% लोग, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स, गर्ल्स हों या बॉयज़, किसी न किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। उसी में से एक प्रॉब्लम का नाम है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन दो तरह की होती है, हाइपोपिगमेंटेशन और हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन में हमारे चेहरे पर पड़ने वाले धब्बों का रंग हमारे चेहरे के रंग से थोड़ा हल्का होता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के कुछ दाग धब्बे होते हैं, उसी को हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। जो दूसरी तरह का पिगमेंटेशन होता है दोस्तों, वो होता है हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन में हमारे चेहरे पर पड़ने वाले धब्बों का रंग हमारे चेहरे के रंग से थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, यानी कि जो ब्राउनिश कलर का भी ये कभी कभी होता है, और कुछ लोगों के चेहरे पर ये बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउनिश होता है जिसको साफ तरीके से चेहरे पर देखा जा सकता है। चाहे सफ़ेद दाग धब्बे हों या ये डार्क ब्राउन कलर के दाग धब्बे हों, ये दोनों ही हमारे चेहरे की रंगत को फीकी कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में। हाइपरपिगमेंटेशन का मेन कारण होता है हमारे चेहरे की स्किन में मेलेनिन का स्तर बढ़ जाना। जब बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पैचेस यानी कि धब्बे बना देता है। मोस्टली ये धब्बे हमारे चेहरे पर बनते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन के जो मेन कारण होते हैं दोस्तों, उनमें से जो सबसे पहला मेन कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। हाइपरपिगमेंटेशन मोस्टली लेडीज़ के अंदर देखा जाता है या लड़कियों के अंदर देखा जाता है। 90% ये लड़कियों के अंदर होता है और 10% इसके शिकार लड़के या मर्द होते हैं, ठीक है। इसके जो मेन कारण है, एक हार्मोनल चेंजेस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका ज़्यादा इफेक्ट या ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो दूसरा मेन कारण है दोस्तों, वो है कम पानी पीने की वजह से भी हाइपरपिगमेंटेशन पैदा हो जाता है। ज़्यादा देर धूप में काम करने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इम्प्रॉपर हेयर रिमूवल्स, जो क्रीम या लोशंस आते हैं और उनको हम अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पर दाग धब्बे यानी कि पैचेस बन जाते हैं। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर आपके माता पिता में से किसी को है तो हो सकता है कि हाइपरपिगमेंटेशन या इस तरह के दाग धब्बे आपको भी आपके चेहरे पर भी पैदा हो जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय जिसका यूज़ करके आप इस तरह के दाग धब्बों से आसानी से निजात पा सकते हैं, यानी कि हाइपरपिगमेंटेशन से निजात पा सकते हैं। दोस्तों जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप एक साथ बनाकर 2-4 दिन के लिए या 1 वीक के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसे बनाने के बाद में आपको इसे फ्रिज में रखना होगा। किसी नॉर्मल जगह पर या किसी गर्म जगह पर आप इसको नहीं रख सकते। इस होम रेमेडी को या इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनमें से पहला इंग्रेडिएंट है क्यूकम्बर यानी कि खीरा, एप्पल की एक स्लाइस, हाफ पका हुआ केला, 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, 1 बड़ा चम्मच कर्ड यानी कि दही। इन सभी को एक ब्लेंडर में डालकर आप इनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद में एक स्मूदी पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें 2 इंग्रेडिएंट और मिलाने हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी की जगह चंदन पाउडर को भी मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, चंदन पाउडर असली ही होना चाहिए। जो मार्केट में लगभग 100-150 रुपये में जो लगभग 200 ग्राम चंदन पाउडर मिलता है, उस चंदन पाउडर का यूज़ नहीं करना है। जो असली चंदन पाउडर आता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो लगभग 50 ग्राम आपको 500 से 600 की रेंज में मिलता है, आप उसका ही यूज़ करें। नहीं तो आप इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस ओरिजिनल चंदन पाउडर को गेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच शहद और आपका पिगमेंटेशन रिमूवल होममेड नुस्खा बनकर तैयार है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें, ठीक है। फिर किसी गीले टॉवल से या गीले रुमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ करें, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें से लगभग 1 टेबल स्पून ये पेस्ट लेना है और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, खासकर उन हिस्सों पर जहाँ पर ये पैचेस या दाग धब्बे बने हुए हैं या हाइपरपिगमेंटेशन बना हुआ है। अक्सर हाइपरपिगमेंटेशन जो होता है वो हमारे दोनों गालों पर, हमारे माथे पर, हमारी नाक के ऊपर और हमारे ऊपरी होंठ के ऊपर की तरफ बनता है। तो जहाँ जहाँ पर ये बना हुआ है, आप इसको वहाँ पर स्पेसिफिकली लगाने के बाद में अच्छे से मसाज करें और पूरे चेहरे पर इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद में आप इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद में आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लें। दोस्तों अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा दाग धब्बे हैं या ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप इसका यूज़ डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, और अगर थोड़े कम हैं या ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है तो आप इसका यूज़ ऑल्टरनेट डेज पर करें। फ्रेंड्स एक बात और, कोई भी होममेड नुस्खा
या कोई भी नेचुरल जो नुस्खा है उसका असर आपको एक रात में देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसे 1 से 2 वीक तक रेगुलर लगाना है, चाहे आप डेली बेसिस पर लगाएं या अल्टरनेट डेज पर लगाएं। जो भी नेचुरल नुस्खे होते हैं इनका यूज़ करने से जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म होती है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 1 से 2 वीक तक अगर इस नुस्खे को अप्लाई करेंगे देन डेफिनेटली आपको अपने चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन भी ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा और 2 वीक के बाद में आपको अपने चेहरे पर एक अद्भुत निखार दिखाई देगा। क्योंकि ये दाग धब्बों को दूर करने के साथ साथ हमारे चेहरे पर जो रिंकल्स पड़ते हैं या जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उनको भी कंट्रोल करता है, चेहरे को निखारता है, चेहरे पर पिंपल्स या एक्ने निकलने की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस नुस्खे के साथ में आपको कुछ टिप्स भी फॉलो करने हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो टिप है दोस्तों वो ये है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो कोई ना कोई सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। दूसरा, धूप से थोड़ा बचने की कोशिश करें, ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और रात को सोते समय एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर अप्लाई करके ही सोएं। ठीक है, 2 हफ्ते अगर आप इस नुस्खे को यूज़ करते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपको अपने चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इसको